रहेगी। है, सही है। अच्छा ठीक है। अच्छा तो हम पढ़ रहे थे बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, ये पढ़ रहे थे हम, ठीक है। और हम लोग ने ग्राफ में पढ़ लिया था। मैं एक छोटा सा स्पीड में रिवीजन करवा देता हूँ। हमने ये पढ़ा था कि जब कोई आइटम गिरता है ना, जब कोई आइटम गिरता है तो उसमें जब आइटम ऊपर जाता है तो बाइंग प्रेशर आता है। लेट सपोज मैं अगर इस ये एक तरह से ना अगर आइडियली देखूँ ना तो साइनसॉइडल वेव है, साइनसॉइडल वेव है, ठीक है। ये यू जाएगा, साइनसॉइडल वेव क्या होता है, बहुत सही जगह पे आपने इस्तेमाल किया हो, अब जाएगा, फिर उसके बाद डाउन जाएगा, ठीक है, सॉरी। इस तरह से मतलब आइटम जो है ना अब जाता है, फिर उसके बाद अप आ जाता है, तो उसके बाद डाउन जाता है, और फिर उसके बाद अब जाना शुरू हो जाता है, और ये साइकिल चलता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो जब आपको पता होगा ना कि आइटम डाउन हो गया, तो आपको ये नहीं सोचना कि यार मिसाल के तौर पे आइटम जो है यहाँ पर कहीं खड़ा हुआ है, ये मैंने आपको बताया ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, यानी कि इसका साइकिल फिर अगेन ये स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद ये दोबारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, टॉप जाएगा, फिर वापस नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ से स्टार्ट, टॉप जाएगा, यह एक लूप है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, कोई आइटम गिर रहा है ना इसका ये मतलब नहीं है कि सारी जिंदगी गिरता रहेगा, ठीक है। स्ट्रेटजीज अब देखें बहुत सारी चीजें, स्ट्रेटजीज भी अप्लाई करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट भी अप्लाई करेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी अप्लाई करेंगे, इंडिकेटर्स भी देखेंगे, सेलिंग प्रेशर भी देखेंगे, ओवरसोल्ड ओवरबाउट कंडीशन भी देखेंगे, सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस भी देखेंगे। जब ये सारी चीजें देखेंगे ना, फिर आप नुकसान में नहीं जा सकते, इतनी बात है, ठीक है। जो बंदा ये कुछ भी नहीं देखता ना, तो इसका मतलब है वो जुआ खेल रहा है, सट्टा जुआ खेल रहा है, मतलब कि कॉइन उछालता है, एक तरह से जुआ है, किसी को नहीं पता क्या होगा, 50-50% चांस होता है ना उसमें, यानी अगर एक कॉइन है तो उसमें चांस ऑफ मतलब दो आउटकम है उसमें, अब मैं स्टैटिस्टिक्स में जा रहा हूँ, उसमें दो आउटकम होता है, अगर एक कॉइन कॉइन का गेम खेलता है तो उसमें दो आउटकम है, ठीक है, हेड आता है या टेल आता है, ठीक है। अगर किसी ने सेलेक्ट किया हेड और वो टेल आ गया तो वो हार गया, ठीक है, यानी कि दो आउटकम है, 50% चांस है इसका जीतने का। भाई ये ड्राइंग कोई ना बनाए, सिर्फ मैं बना सकता हूँ, आप लोग मिटाएं, आप लोग भी बना सकते हैं इसमें, तो इसलिए आप लोग अपने पेन को कंट्रोल में रखें। तो 50% चांस है ना जीतने का, अगर किसी ने हेड दिया तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, ठीक है, दो चीज है ना, तो 50-50 चांस है ना। इसी तरह से अगर कोई हम गेम खेल रहे हैं डाइस वाला, डाइस वाला कोई गेम खेल रहे हैं, और उसमें हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं, एक डाइस वाला, सर, हाँ डाइस वाला जब हम, स्क्रीन पूरी नजर नहीं आ रही है, स्क्रीन पूरी नजर नहीं आ रही है, इसलिए सब वो लगा रहे हैं थोड़ा सा इसको। जी नजर नहीं आ रही, क्यों क्या नजर नहीं आ रही, स्क्रीन नजर नहीं आ रही आप कुछ लोग को, कट नहीं आ रही रही, है, थोड़ा सा ऊपर कट रहा है, ऊपर कट रहा है, ऊपर वाला जहां पर अब आप सही अभी है, डाइट कर रहे हैं। जी, आप सही है। अब ये आप डिपेंड करता है आप लोग ने कितना मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक डाइस है, अजीब सी किस्म की डाइस बना दी, एक सिक्स है और फाइव है, फोर है, ठीक है, एक साइड में टू होगा, ठीक है, टू होगा, थ्री होगा, वन होगा, छह आउटकम है इसमें, छह आउटकम है ना इसमें, एक वक्त में तो मैं एक बोलूंगा, मैं कहता हूं कि यार एक आएगा मेरा या मैं वन आता है, तो कितने परसेंट चांस है कि इसका वन आए, वन आउट ऑफ सिक्स है ना, ठीक है। मैं इसको ज्यादा डिटेल में मैथ्स में जाने की जरूरत नहीं है,
मैथमेटिक्स में जाने की जरूरत नहीं, मैं एक चीज समझा रहा हूँ आपको। 1/6 16%, ठीक है? तो 16% बन रहा है, ठीक है? 16% चांस ऑफ विनिंग, यानी कि एक कोई जो डाइस होती है जिसको छक्का भी कहते हैं हम लोग, लूडो में खेल रहे हैं या किसी में चीज में भी खेल रहे हैं, कोई जुआ खेल रहा है ना, जुआ खेल रहा है कोई, वो कहता है कि यार मैं डाइस रोल करता हूँ और उसमें से मैं कोई आपको कोई एक चीज बतानी है, ठीक है? कोई एक चीज आपको बतानी, एक चीज बताई मिसाल, और अगर आपने सही बताया तो आपको इनाम मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि यार 6 आता है मेरा, लेकिन 6 नहीं आएगा, वो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी, यानी इतनी सारी पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी है, तो बहुत कम परसेंट चांस है जीतने का, 16%। और मैंने आपको बोला था कॉइन के केस में क्या हैड या टेल, तो उसमें 50% चांस है, या तो 50 में या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, ठीक है? ये फिर भी अब आपको लग रहा होगा यार इतना कम चांस है जीतने का ना, ये कॉइन के केस में ये है, और डाइस के केस में इसको डाइस के केस में 16% है, यानी जुआ खेल रहा है, ये जुआ खेल रहा है तो इसमें इतना चांस है। PSX में ना, अगर आप लोग ना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहे हैं, ना रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, ना आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है, ना आपने स्टॉप लॉस लगाया है, और ना आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता है, ना आपको क्या कहते हैं ओवरसोल्ड ओवरबॉट की कंडीशन पता है, ना आपको सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर पता है, ना आपको ये पता है कि डिमांड है किसी की नहीं है, ये जब कुछ भी नहीं पता होगा ना आपको, कुछ भी नहीं, बिल्कुल इलिटरेट जाहिल आदमी है कोई अगर, तो उसमें जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग समझ लें आपकी 2% भी नहीं होगी। आपने ये देख लिया कि अगर 6 चीजें होती है ना, 6 6 अगर आउटकम है, उसमें से आपने एक बताया या एक आपको पता है, तो आप आपकी 16% है। इसमें आपने कितनी सारी चीजें बता दी, ओवरबाउट ओवरसोल्ड कंडीशन, ठीक है, सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर, ठीक है, और उसके बाद हमने बोला पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, यानी कि आप आइटम किस तरह से रख रहे हैं, 25% कैश रख रहे हैं, नहीं रख रहे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पता है नहीं पता, और डिमांड है कि नहीं है आपके पास, उस आइटम में वॉल्यूम इतना आता है कि नहीं आता, इतनी सारी चीजें हैं ना, मैं आपको क्या क्या बता दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी सारी चीजें हैं, और आप इसमें से कुछ भी नहीं कर रहे या एक चीज आप कर रहे हैं, तो आपका आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है ना वो बहुत कम हो जाएगी, टेंस टू जीरो हो जाएगी। तो उस पर अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, PSX भी एक गेम की तरह, उस पर अगर आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप नहीं जीत सकते, ठीक है? तो ये चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। तो इसलिए जरूरी है कि अगर बंदे को ये भी पता है, 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 एक आध चीज मिस हो जाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग सेवेंटी फाइव देख परसेंट 75। आप लोग अपना माइक बंद करें, हाँ, 75 प्लेट से प्लेट में लेकर आना, कपड़े खराब होते हैं। 75, 85, 90% तक आपके विनिंग चांस हो जाएंगे, तो आपका इन सब चीजों से आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बढ़ जाएगी। अच्छा, बस ये सिंपल सी बात बतानी थी। अब वापस हम लोग MSCD पे आ जाते हैं। ये चीज समझ में आई क्या बोलना चाह रहा था मैं, प्रोबेबिलिटी वाली बात है? जी जी समझ आ गया। कोई और भी बता सकता है आपके अलावा? ये भाई आप लोग चीजें ना बनाए, ड्राइंग ना बनाए, मुझे ही बनाने दिखा ले। अच्छा, मैंने आप लोग को बताया था जब आइटम नीचे, ये मैंने आपको ये आपको क्या कहते हैं एक साइनसोइडल वेव बताया कि आइटम लाजमी ऊपर जाएगा, लाजमी नीचे जाएगा, और एक बिल्कुल आइडियल केस अगर लेते हैं, जितना नीचे जाता है फिर उतना ऊपर जाता है, फिर वापस वहां पे आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, एग्जैक्ट वही बनाएगा, ठीक है? अभी हम आइडियल केस पढ़ लेते हैं। जैसे ये नीचे जाना शुरू होता है तो सेलिंग प्रेशर आना शुरू हो जाता है, ये मैंने आप लोग को बताया था। लेट सपोज सेलिंग प्रेशर की वैल्यू मैंने आप लोग को 5 एरो से बना के दिखाई थी, सही है? एक दफा दोबारा स्पीड में बना देता हूँ। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मैक्सिमम होगा, ठीक है, कोई बायर नहीं होगा, आइटम नीचे जाना शुरू हो गया। यहाँ पे जैसी प्राइस आई, यहाँ पे
सेलर, कुछ सेलर के माल तो बिक चुके होंगे, कुछ सेलर क्या होगा कहेंगे अभी भी बेचना चाह रहे होंगे, यहाँ पे कुछ बायर आ जाएंगे, एक बायर आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा प्राइस, क्योंकि नेट बाइंग प्रेशर क्या है, नेट बाइंग प्रेशर कोई बायर नहीं है, नेट बाइंग प्रेशर -5, कि नेट बाइंग प्रेशर -3 +1, कितना बना -2, जिसको समझ नहीं आ रहा वो उसने क्लास क्यों नहीं ली दोबारा, तो इतना रिपीट नहीं कर सकता, वो रिकॉर्डिंग देख लेगा। फिर यहाँ पे आके जो है ना सेलिंग प्रेशर कम होना शुरू होता है, और समझ लें यहाँ पर सेलिंग प्रेशर कम हुआ और बाइंग प्रेशर बढ़ा, सेलिंग प्रेशर पहले 3 था अब 2 हो गया, बाइंग प्रेशर पहले 1 था 2 हो गया, ये क्या हुआ -2, ये क्या हुआ माइनस, मैं सेलिंग को कह रहा हूँ बाइंग को मैं प्लस कह रहा हूँ, -2 +2 क्या हो गया 0 हो गया, यानी कि इक्विलिब्रियम हो गया, इसलिए आपको इस पॉइंट पर प्राइस चेंज होती हुई नजर नहीं आ रही, गिरते 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 एक वक्त आता है जब प्राइस गिरना बंद हो जाती है, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पोजिशन, इक्विलिब्रियम को यही कहते हैं ना, नेट चेंज इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर कम हो गया, पहले सेलिंग प्रेशर 5 था, या लेट सपोज इसको मैं 4 कह देता हूँ, पहले सेलिंग प्रेशर 4 था और फिर सेलिंग प्रेशर ये -3 था और एक +1 हो गया, -3 + 1 इज इक्वल टू -2, फिर क्या था -2 + 2 इज इक्वल टू 0, फिर सेलिंग प्रेशर 1 हो गया यानी कि ये -1 है, और बाइंग प्रेशर पहले 0 था फिर 1 था फिर 2 था और अब लेट सपोज 3 हो गया। ठीक है +3, तो -1 और +3 कितना हो गया +2, तो बाइंग प्रेशर ज्यादा हो गया, इस वजह से प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गया, सेलिंग प्रेशर ज्यादा था तो प्राइस नीचे जाना शुरू हो गया, ये चीज लास्ट टाइम भी बताई थी और अभी भी मैंने रिवाइज करवा दिया। ठीक है क्लियर है, अब हम अगर ये क्लियर है ना तो फिर हम जाएंगे इंडिकेटर के ऊपर, फिर वहां पे आपको समझ में आएगी एक्चुअल चीज, यहाँ से आपको साइकोलॉजी और कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, अब हम जाते हैं वहां पे एमएसडी पे। ठीक है चाहे करें स्टार्ट। अच्छा चलो हम जाते हैं पहले एच कार पे, मिसाल के तौर पर सबको बंद कर देते हैं हम, मैंने आपको क्या बताया कि 1 by 1 हम सारे इंडिकेटर को पढ़ेंगे, एंड में मर्ज करेंगे हम। अच्छा तो हमने कौन सा इंडिकेटर लगाना था, MACD, MACD का क्या मतलब है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ठीक है क्लियर है। अच्छा भाई ये क्या बता, देखें आप लोग ने जिस जिसने यूट्यूब फॉलो किया है उसको यूट्यूब में क्या बताते हैं कि ये देखें इंडिकेटर में 2 लाइन है, इंडिकेटर में अगर मैं सिर्फ इसको खोलूँ 2 लाइन्स है, एक ये ऑरेंज वाली लाइन है, कलर तो आप किसी का भी चेंज कर सकते हैं, और एक ब्लू लाइन है, इसकी सेटिंग में जाए देखें इसकी सेटिंग में जाए, एक क्या कह रहा है एक फास्ट लेंथ है एक स्लो लेंथ है, ये 2 लाइन होती क्या है, इसका नाम है एक फास्ट लेंथ स्लो लेंथ, ये आपको याद नहीं रखना, याद आपको बिल्कुल स्क्रीन भी नहीं नहीं आ रखना, स्क्रीन नहीं आ रही, बोर्ड बोर्ड नजर आ रहा है, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड आप क्लोज कर दें सही हो जाएगा। हमारा देखें अब ठीक हो गया। एच कार का मैंने चार्ट खोला हुआ है, एच कार्ड मैंने सारे इंडिकेटर बंद कर दिए और मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ एमएससीडी इंडिकेटर खोला हुआ है, सही है नजर आ रहा होगा, अब मैंने बोला कि एमएससीडी इंडिकेटर को खाली अगर हम देखते हैं तो इसमें 2 लाइंस नजर आ रही हैं, नीचे हिस्टोग्राम नजर आ रहा है, फिलहाल अब इसको रहने दें, यहाँ पे आपको 2 लाइंस नजर आ रही है, अब 2 लाइंस में आपको बाई डिफॉल्ट तो ये कलर नजर आएगा रेड और ब्लू, अब ये है क्या, अब ये है क्या, इसमें एक इन दोनों का ना नाम है जो कि आपको याद नहीं रखना, फिक्र नहीं करें कि यार मैं नाम नाम याद रखना पड़ेगा, नाम कैसे, कुछ भी हमें याद नहीं रखना, ठीक है, लेकिन
पता होना चाहिए कि ये क्या कहते हैं। तो आप गए, इस यहाँ से गए, सेटिंग पे गए, और आपने बताया एक फास्ट लेंथ है, एक स्लो लेंथ है, ठीक है, ये सिग्नल लेंथ है, इसको भूल जाए, एक फास्ट लेंथ है, एक स्लो लेंथ, मतलब दो कर्व है, एक फास्ट का है, एक स्लो का है, सही है। तो एक फास्ट और स्लो है, ये जब इसमें से क्या होता है कि अब हमें जो बताया गया है या नॉर्मली जो कहा जाता है कि थंब रूल क्या है, कि जब ये वाली लेंथ जो है इससे क्रॉस हो जाए ना, ये क्रॉस हो जाए, क्रॉस ओवर जनरेट करे, तो हम बाइंग करते हैं। यानी कि अगर मैं इसको ड्रॉ करके बताऊं, पेन पेन इसमें नहीं, यानी कि जैसे ये यहाँ पे जाए, मैम क्यों नहीं जाए, ठीक है, ये ऐसे जाए, स्लो लेंथ उसको कहते हैं जो स्लो चेंज हो रहा है, जिसका जिसका जो कर्व है ना स्लोली स्लोली चेंज हो रहा है, उसकी डायरेक्शन स्लो चेंज हो रही है, उसको स्लो लेंथ कहते हैं। और एक है फास्ट लेंथ, फास्ट लेंथ से क्या मुराद है, वो वाला कर्व जो बहुत स्पीड से चेंज हो रहा है। अब इनमें से आप लोग को कौन सा फास्ट कर्व लगता है, कौन सा स्लो कर्व लगता है, इस डेफिनेशन के मुताबिक जो मैंने बताया कि स्लो कर्व जो है ना वो स्लोली स्लोली चेंज हो रहा है, और फास्ट लेंथ जो मैंने आप लोग को इस सेटिंग में दिखाई थी ना, फास्ट लेंथ ऊपर स्लोली, वाला ब्लू वाला फास्ट है, ब्लू वाला फास्ट है सर। सही कहा, जो फास्ट होता है ना वो हबड़ दबड़ मचा रहा होता है, तो इसका एवरेज इतना अच्छा नहीं है, ये जो है ना बहुत ज्यादा आपको देखे स्मूथ नहीं नजर आ रहा, लेकिन ऑरेंज वाला जो है ना ये बड़ा स्मूथ नजर आ रहा है, स्लो स्लो बहुत सकून से जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका स्लो लेंथ है, तो ये जो स्लो लेंथ है ना ये स्लो स्लो चेंज होता है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये फास्ट लेंथ जैसे ही अभी जो थंब रूल है मैं वो बता रहा हूँ कि कहते हैं ये जो जैसे फास्ट लेंथ नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगे, इसको मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि जैसे ये फास्ट लेंथ फास्ट लेंथ क्रॉस कर ले ये स्लो लेंथ को, ठीक है, तो इसका मतलब इसने बाइंग जनरेट कर दी, समझ आई, बाइंग जनरेट कर दी, फास्ट लेंथ यानी ब्लू वाली लाइन क्रॉस करना शुरू कर दे या क्रॉस कर जाए ऑरेंज वाली लाइन को, तो इसका मतलब है इसने बाय सिग्नल जनरेट कर दिया, सही है, क्लियर है, मिक्स नहीं कर देगा इसको, मिक्सअप नहीं कर देगा, बस ये याद रखे नीचे से अगर ऊपर की तरफ जा रहा है ना कोई, नीचे से ऊपर की तरफ इसका मतलब है प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे से ऊपर की तरफ जाने का मतलब क्या है, बाय कॉल दे रहा है वो, यानी ये आइटम बाय कॉल दे रहा है कि जैसे ही प्राइस यहाँ पर पहुंच गई, क्रॉस ओवर जनरेट करा, यानी कि ये ब्लू लेंथ को देखेंगे या फास्ट वाले को, फास्ट वाली क्या चीज है, कह रहा है जैसे ही ये यहाँ से इसको क्रॉस करना शुरू करेगी तो ये हमारी हमारा बाय कॉल है। हिस्टोग्राम को फिलहाल अभी छोड़ दें, हिस्टोग्राम इम्पोर्टेंट है, ये मैं बताऊंगा, ठीक है, हिस्टोग्राम बताऊंगा, हो सकता है आज की सेकंड सेकंड हाफ मतलब जो हमारा सेशन होगा उसमें बताऊंगा, हिस्टोग्राम इम्पोर्टेंट है, लेकिन पहले आप कर्व देख लें, एक के बाद एक चीज़ आएगी, तो जैसे ही आपको कोई समझ में आया तो फिर बता देना, फिर हम आगे नीचे हिस्टोग्राम पे पहुंचेंगे। तो ये बोलता है ये वाला जो पॉइंट कहता है ना, कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा बाय कॉल है, यहाँ पर बाय कॉल है कि इससे बाय कॉल जनरेट कर दी। और अगर इसका उल्टा हो जाए, उल्टा क्या होगा, ऊपर से अगर नीचे की तरफ काटे, फास्ट लाइन जो है या ब्लू लाइन जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, काट रही है इसको, जैसे क्रॉस ओवर, यहाँ पे क्रॉस ओवर जनरेट हुआ, यहाँ पर इसको मैं इससे मार्क कर देता हूँ, ठीक है, अगर एक यहाँ पे क्रॉस ओवर जनरेट हो रहा है, एक यहाँ पे क्रॉस ओवर जनरेट हो रहा है, ये कौन सा सिग्नल होगा, ये सेल सिग्नल होगा, जैसे ही यहाँ अभी मैं सिर्फ और सिर्फ समझ ले थंब रूल बता रहा हूँ, उसके बाद हम अपनी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। ये फास्ट लेंथ आई, ब्लू आई लेंथ, जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ इसने क्रॉस करा, इसका मतलब है सेल कॉल है,
और जैसे ही इसने यहाँ से नीचे की से ऊपर की तरफ कॉल वो करा तो बाय कॉल है। जब पीछे चले जाते हैं हम, पीछे चले जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे इसने नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस जनरेट किया, इसका मतलब है बाय कॉल। यहाँ पे इसने क्या करा, सेल कॉल। यहाँ पे इसने क्या करा, बाय कॉल। यहाँ पे इसने क्या किया, सेल कॉल। यहाँ पे बाय कॉल, ठीक है। अरे समझ, सबको क्लियर है? फटाफट जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी आप लोगों को फीडबैक देना पड़ेगा वरना फायदा नहीं है। क्लियर बाकी लोग, बाकी लोग भी बोला। हाँ, अच्छा अब हम देखते हैं कि यार क्या ऐसा यार हो भी एक रहे कि सवाल नहीं। पूछना जी पूछे हैं सुन भाई। है यार, ये बताएं कि जो डे चार्ट हम देखते हैं क्या इंडिकेटर में, पहले वैसे आप बता चुके हैं लेकिन 15 मिनट पे फॉर एग्जांपल बहुत तेजी तेजी से जो है ना ये हो रही होती है क्रॉसिंग, तो इस पर्टिकुलर इंडिकेटर के लिए 15 मिनट चार्ट वैलिड है या यूजुअली इसको डे पे या आवरली पे ही देखना चाहिए? नहीं, हर इंडिकेटर हर चार्ट के लिए वैलिड होता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि 15 मिनट उस आइटम के लिए, ये एक एक्स्ट्रा सवाल है। तो मैंने आप इसीलिए शुरू में यही बोल दिया कि फिलहाल आप लोग ये कंसिडर करें कि मेरा टाइम फ्रेम डे चार्ट। कुछ चीज़ें हम पहले सपोज कर लेते हैं ताकि पहले जब तक हम लोग एक चीज़ में माहिर ना हो जाए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, ठीक है। अभी हमें अपने आप को डे चार्ट में माहिर करना है, यानी हमें कुछ भी कर ले डे चार्ट यूज करना है। डे चार्ट सबसे एक्यूरेट होता है और एक मिड लेवल होता है, यानी कि अगर आप अर्ली चार्ट, डे से छोटा होता है अर्ली चार्ट, डे से बड़ा होता है वीकली चार्ट, जो मोस्ट कॉमन है। वैसे तो 2 डे का भी चार्ट होता है और अर्ली के बाद 2 अर्ली का भी होता है, 3 अर्ली का भी होता है, लेकिन जो मैं मोस्ट कॉमन में बात कर रहा हूँ ना यहाँ पर, 1 आवर, डे और वीक। तो डे से छोटा चार्ट आवर का होता है। जितना नीचे करते रहेंगे टाइम फ्रेम आइटम, उतना मतलब जो इंडिकेशन इसकी इंडिकेटर है ना उसकी एक्यूरेसी पे उतना वो और कम होता रहेगा, एक्यूरेसी कम होती रहेगी, या आप ये कहें वो आइटम और रिस्की होता रहेगा अगर इंडिकेटर से चेक करें। इसी तरह से अगर वीकली टाइम फ्रेम पे ये टाइम फ्रेम बढ़ा दें तो भी आपको थोड़ा सा दुख दे सकता है। डे जो है ना एक एक दोनों का बीच का लेवल है, तो ये इसमें बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं। सही है, वैसे तो आपको आइटम एनालाइज करना है, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आप एनालाइज करेंगे तो सबसे बेस्ट होगा, लेकिन फिलहाल अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम पे करेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी। इसकी वजह ये है, आप अगर 15 मिनट का चार्ट है वो कह रहा होगा कि यार बाय बाय कॉल दे रहा है, ठीक है, और हो सकता है 1 आवर का चार्ट आपको सेल कॉल दे रहा हो, डे चार्ट आपको बाय कॉल दे रहा हो, वीक चार्ट आपको सेल कॉल दे रहा हो, मंथ चार्ट आपको बाय कॉल दे रहा हो। आप कहेंगे मैं किसकी सुनूं भाई, तो उसके पीछे एक लॉजिक होती है, उसके पीछे लॉजिक होती है जो मैंने आप लोग को एक क्लास में बताया था, और वो मैंने आप लोग को बताया था कि शॉर्ट टर्म वाला है ना वो क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट के चार्ट फॉलो कर रहा है, तो वो क्या करता है 15 मिनट को बहुत ही रिलीजियसली बहुत ही स्ट्रिक्टली वो मॉनिटर कर रहा होता है। उसमें 15 मिनट के चार्ट में ये बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मुझे 5% मिल जाए, उसको 0.5% मिलेगा, 1% गेन मिलेगा। सही है, तो वो देखेगा कि यानी इतना ज्यादा मतलब क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं ना, तो फिर वो हर चीज को उसको 15 मिनट के हिसाब से सपोर्ट भी आएगी, 15 मिनट के हिसाब से रेजिस्टेंस भी नजर आ रही होगी, जो कि डे चार्ट पे रेजिस्टेंस हायर होगी और सपोर्ट काफी नीचे होगी। 15 मिनट के चार्ट में सपोर्ट भी बहुत करीब होगी, रेजिस्टेंस भी बहुत करीब होगी, तो आपको वहां सेल भी करना होगा, वहां बाय भी करना होगा। पूरी लॉजिक और सारी साइकोल पूरी लॉजिक और पूरी ट्रेडिंग स्टाइल आप लोग का चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप फिलहाल किसी एक चार्ट को फॉलो करें, सही है ना। अच्छा इसमें मैं आपको ये बताऊंगा, मिसाल के तौर पे 15 मिनट का चार्ट बोल रहा है कि बाय करो, एहसन भाई 15 मिनट का चार्ट बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल बाय करो, लेकिन डे का चार्ट जो उससे बड़ा चार्ट है ना, उससे बड़ा चार्ट है वो कह रहा है सेल करो। अब यहाँ पे इस तरीके का हिसाब कंसिडर कर ले कि जो छोटा छोटा चार्ट है, मैं 15 को चलो अर्ली कर लेता हूँ समझाने के, उससे इस पर भी मैं जरा व्हाइट बोर्ड खोल के बताता हूँ, जरा रुके क्योंकि सवाल आ गया है तो हाथ क्या इसको निपटा देते हैं। मिसाल के तौर पे शॉर्ट शॉर्ट चार्ट है, अब शॉर्ट चार्ट को आप अर्ली कंसिडर करें, 15 मिनट कंसिडर करें, 5 मिनट कंसिडर करें। मैंने एक सपोज कर लिया अर्ली है, यानी शॉर्ट शॉर्ट ग्राफ है, और एक मिड लेवल का ग्राफ है जिसको मैं डे कंसिडर कर रहा हूँ, और एक वीक का ग्राफ है, ठीक है।
लेट सपोज ये बता रहा है, अर्ली चार्ट बता रहा है बाय करो, सही, ये बता रहा है कि सेल करो। अभी फिलहाल हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, इसका मतलब क्या है? लेट सपोज हम एचकार की बात कर रहे हैं, एचकार की बात कर रहे हैं, और ड्राइंग ना बनाइए आप लोग, ठीक है, तो या किसी भी आइटम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कह रहा है बोल सब सही रहे, ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है। अर्ली चार्ट एक छोटा टाइम फ्रेम है और उसकी सपोर्ट भी छोटी है, रेजिस्टेंस भी छोटी है, ये कह रहा है कि भाई थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और अर्ली चार्ट को जो फॉलो करते हैं ना उसको थोड़ा सा ही प्रॉफिट चाहिए होता है, लेट सपोज 2% 3% बस। डे चार्ट कह रहा है कि भाई सेल कॉल है, आपको सेल करना है, यानी कि ये आइटम मिसाल के तौर पे 10 रुपये नीचे जा सकता है। अच्छा, अब आपके ऊपर है कि मैं कौन सा फॉलो कर रहा हूँ, मिक्सअप नहीं करना। आपने बोला यार यहाँ बाय करना है, अगर ये बाय करना है ना तो फिर ये सेल करने का भी बोलेगा, अर्ली चार्ट सेल करने का भी बोलेगा। अर्ली चार्ट मिसाल के तौर पे बोल रहा है कि यह आपकी रेजिस्टेंस है और आपने यहाँ पे बाय करना है, और लेट सपोज एच कार या आइटम यहाँ पे मौजूद है, आप जैसे आपने 15 मिनट का चार्ट देगा या अर्ली चार्ट देगा, और लेट सपोज ये आइटम ये है, इसकी वैल्यू चल रही है 320 या 324 चल रही है प्राइस। शोएब भाई को ड्राइंग बनाने का बहुत शौक है कसम से। अच्छा अच्छा, ये रेजिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 328, और ये शॉर्ट टाइम की रेजिस्टेंस है, और डे की सपोर्ट है लेट सपोज 317। अब ये गौर से देखें असल भाई, बस उसको समझने की कोशिश करेगा क्योंकि ये थोड़ी सी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, मैं इसको और करीब और जूम कर लेता हूँ, इसे मैं स्टेप बाय स्टेप समझाना चाह रहा था। ये देखो, अच्छा अर्ली चार्ट आपको कह रहा है या 15 मिनट का चार्ट आपको कह रहा है कि बाय करो, एच कार अभी इस वक्त मौजूद है 324 रुपये में, आपने बोला यार मुझे बाय कर लेना चाहिए, लेकिन अर्ली चार्ट आपको बता रहा है कि 328 पे आपको सेल करना है, तो आप किसी एक चीज को फॉलो करेंगे। अगर आपने अर्ली पे बाय करा है ना तो आप अर्ली पे सेल करेंगे 100%, वरना आप हमेशा नुकसान पे रहेंगे। लेट सपोज आपने 324 पे बाय करा और उसके बाद 328 पे आपने सेल कर दिया, कोई मसला नहीं है, अर्ली चार्ट पे भी सेल कॉल दे दी। अच्छा, जो डे चार्ट है ना, डे चार्ट कह रहा था कि सेल है, सेल करो, यानी वो डे चार्ट को 1-2 रुपए से कोई गर्ज नहीं है, ये कहता 10 रुपए गिरेगा, यानी कि अब आप देखें अगर डे का टाइम फ्रेम देखें, डे का टाइम फ्रेम एक थोड़ा सा ज्यादा एक लंबे अरसे की बात कर रहा होता है, तो कहता है कि यार फॉर एग्जाम्पल चंद दिन के अंदर, 4-5 दिन के अंदर ये 317 आ जाएगा, ऐसा ही